दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम नया कुछ बनाने वाले हैं, तो चलिए आप लोग के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो दिखा देते हैं आप लोग को क्या क्या लिया, क्या बनाएंगे। ये ले लिया आलमंड बादाम, अखरोट, एक कटोरी गुड़, एक प्लेट तिल। इसको अच्छा तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके लड्डू बनाएंगे। ऐसे में भिगाने से तो बच्चा खाने के लिए नहीं खोजता है, बादाम तो खा लेता है, अखरोट खाने के लिए नहीं खोजता है, तो उसके लिए लड्डू बना देंगे तो अच्छा से खा लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चूल्हे जला दिया, कढ़ाई बैठा दिया चूल्हे पर, इसको अच्छा से भूज लेंगे। पहले मैं बादाम फ्राई कर लेता हूँ। आलमंड बादाम जितना लिया इतना हिसाब से मैंने अखरोट ले लिया। तिल थोड़ा सा कम लिया हूँ, तिल इतना देना नहीं, इसे तो तेल चीज़ है सब। और घी में बनाने वाले हैं अखरोट का, तो आप लोग को पता ही होगा क्या क्या उपकार मिलता है अखरोट का। बच्चा को खिलाने से तो अच्छा ही है, दिमाग का पूरा काम करता है। बादाम धीरे आंच में मैं ही कर रहा, धीमी धीमी आंच में पका रहा। थोड़ा सा जैसे आवाज़ होगा बादाम का, चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा, देख ऐसा होते ही निकाल दूंगा। बादाम हो चुका है, देखिए दोस्तों बादाम का कैसा आवाज़ आ रहा, फूट रहा, थोड़ा सा चिड़चिड़ा चिड़चिड़ आवाज़ आएगा तब सोचिएगा जो बादाम अच्छा तरह फ्राई हो रहा। देखिए दोस्तों बादाम हो चुका है, इसको अभी निकाल लेते हैं। थाली पर निकल लिया, ऐसे ही अखरोट को भी फ्राई कर लेंगे। अखरोट तो फ्राई कर ले रहा दोस्तों, आप लोग को तो पता ही होगा अखरोट का क्या क्या उपकार मिलता है। अखरोट से बच्चा का दिमाग का बहुत तेज़ करता है, तो ऐसे में तो नहीं खाता है, इसलिए चलो हम बोलते हैं ऐसा करके बना देता हूँ, अच्छा से खा लेगा, बेकार नहीं होगा। कांचा में खाने के लिए ही खोजता नहीं है, तो इसको हल्का सा फ्राई करके लड्डू की तरह बना देंगे, तो रोज़ सुबह एक एक करके खा लेगा। धीमी आंच में इसको भी फ्राई कर ले रहा। देखिए अखरोट भी फ्राई हो चुका है, हल्का हल्का इसको भी फ्राई कर लिया, इसको वही थाली पर निकाल लिया। खसला भी वही तरह मैं फ्राई कर ले रहा, तिल हल्का सा करेंगे। आप लोग चाहे तो तिल दे भी सकता है, नहीं दे सकता है, मैंने था घर में तो दे दिया। गैस मैंने ऑफ कर दिया, अभी ऐसे ही कढ़ाई में थोड़ा सा लाड़ दे रहा, ये सब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अभी ग्राइंडर करना है मेरे को, इसलिए ठंडा कर लेगा, थोड़ा सा पाउडर बनाना है। देखिए तिल भी फ्राई हो चुका है, तिल को भी उतार लेते हैं, उसके बाद ग्राइंडर कर ले रहा हूँ, आप लोग को दिखाते हैं। ये दोस्तों भूज के मैंने ग्राइंडर कर लिया, सब तेल वाला चीज़ है, थोड़ा सा ढेला ढेला हुआ है तेल, तेल बहुत ही अच्छा पेस्ट हो गया। अभी इसी को रेडी कर लेते हैं लड्डू। तो चलिए कढ़ाई तो बैठा दिया चूल्हे पर, चूल्हे जला दिया, गरम होने के लिए छोड़ दिए। तो कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें मैं घी ऐड कर रहा हूँ। घी मैंने डब्बा लाया था छोटा सा, दो तीन चम्मच घी ऐड कर दिया। घी गरम हो चुका है, इसमें भी एक कटोरी गुड़
मैंने डाल दे रहा हूँ। गुड़ को अच्छा तरह से में गला लेना है। धीमी आंच से अभी घी को अच्छा तरह घी के साथ गुड़ को गला लेता हूँ। इसमें और भी आप लोग खजूर भी डाल सकते हैं, मैं खजूर नहीं दे रहा, खजूर डालने से भी अच्छा होता है। मैं गुड़ का साथ ही बना रहा, ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे इसलिए हल्का गुड़ दिया हूँ। छोटा कटोरी में एक कटोरी गुड़ लिया मैंने। देखिए पूरा घी गल चुका है, घी गुड़ पूरा गल चुका है। अभी पिसा हुआ जो पीस के रखा सब अखरोट बादाम तेल इसको अच्छा से डाल लेंगे, डाल के मिक्स कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मिक्स हो चुका है, मिक्स कर लिया अच्छा से, सब मिला लिया। अभी इसको अच्छा से इधर उधर करके मिलाना है। अच्छा तरह पाक हो चुका है। अभी इसका गैस ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठंडा होने के लिए। गरम गरम तो नहीं कर पाऊँगा लड्डू, थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहा। उसके बाद ही लड्डू रेडी कर लेते हैं। गरम है दोस्तों, अभी घी हाथ थोड़ा थोड़ा हो जा रहा, घी हाथ हो के इसको लड्डू पकाना है। देखिए दोस्तों मैंने ऐसा गोल गोल हाथों से लड्डू बना ले रहा, बहुत ही गर्म है, गरम गरम बना भी नहीं पा रहा। बड़ा बड़ा ही बना रहा, थोड़ा छोटा नहीं बना रहा। बच्चा के लिए एक ही काफ़ी है, ज़्यादा खाने से भी गर्म बादाम है, अखरोट है, सभी तेल वाला चीज़ है। देखिए दोस्तों लड्डू बन के तैयार है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज़ का कर रहा है इसलिए 10-20 ठो होगा, छोटा छोटा करने से बहुत सारा होना था, लेकिन हम बड़ा बड़ा साइज कर ले रहा। देखिए दोस्तों लड्डू बन के तैयार है। कैसा लगा मेरा बादाम अखरोट तिल का लड्डू? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। बाय।